अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्वीट पोटैटो के पैनकेक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक के तौर पर बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर हमने 3 पाव शकरकंद को बॉयल कर लिया है। अब इसके हम छिलके उतार लेंगे। इसे हमने नॉर्मली बस पानी डाल के 3 सीटी में उबाल लिया था। इसके हमने सारे छिलके साफ कर लिए हैं। इसे एक हम बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसको किसी मेशर से मैश कर लेंगे। बस इसमें कोई गुठलियाँ ना हो, आपको ध्यान रखना है। इसे बहुत अच्छे से हमें मैश कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे मैश कर लिया है और इसको हम बहुत अच्छे से एकदम चिकना कर देंगे, इस तरह से इसमें कोई गुठलियाँ ना दिखें। अब इसमें हम 1/4 कप पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। 1/4 कप इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पे आटा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर तिल लिया है और 4-5 बादाम को भी क्रश करके डाल दिया है। वैसे तो बादाम ऑप्शनल है, लेकिन डालने से बहुत टेस्टी लगते हैं। अब सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एकदम से। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब बहुत अच्छे मिक्स हो चुके हैं। अब इसके हम छोटे छोटे से पैनकेक बना लेते हैं। इस तरह से एक बॉल लेंगे और इसे हम टिक्की की शक्ल में बना लेंगे। आप जैसा भी शेप पसंद करते हैं वैसा बना लें, स्क्वायर में भी बना लें तो बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को देख कर ही अच्छे लग जाते हैं। बच्चे इसे बहुत आराम से खा लेते हैं। तो ये देखिए, सारे यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हम सेलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल में नहीं करेंगे। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर हम पैन में 3-4 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें हम सारे स्वीट पोटैटो के जो हमने बनाए हैं टिकिया शामिल कर देंगे एक एक करके। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर बच्चे शकरकंद नहीं खाते हैं तो इस तरीके से खिलाएं, वो बहुत आराम से खा लेंगे। मेरे बच्चों को इस तरह से खाना पसंद है। ऐसे तो वो स्वीट पोटैटो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम कुछ बना कर देते हैं तो वो लोग खा लेते हैं। तो इसे हमने 3 मिनट के लिए ढक दिया था। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस पर बहुत ही अच्छे से कलर आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हाँ, चीनी आप यहाँ पर 1-2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं तो ज़्यादा मीठा हम नहीं रखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे कलर आए हैं। अब इस साइड भी हम 4 मिनट पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। तो ये देखिए, सब बन चुके हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये। सारे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे जितने भी हैं। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। हम ऐसी रेसिपी शेयर करते हैं जिसमें बिल्कुल भी तामझाम ना हो और फटाफट से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो और ज़्यादा वक्त भी हमारा ना लगे। आप अपने बच्चों को कोई भी हेल्दी चीज़ किसी भी तरीके से खिला सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।